अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से और आप सब लोगों की दुआओं से। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग मेकअप लवर्स हैं, जिन्हें मेकअप करना पसंद है, जिन्हें मेकअप प्रोडक्ट्स देखना पसंद है। तो बस ये उन लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉग क्रिएट किया है जिसमें मैं मिस रोज़ के कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पिगमेंटेशन के साथ। और मैं मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। बाकी जिसको जो ब्रांड जो है वो सूट करती है, सबके स्किन के हवाले से अलग अलग होता है, लेकिन ये है कि मुझे मिस रोज़ बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मौजूद है सिल्क फाउंडेशन जो कि ट्यूब फॉर्म में मौजूद है। इसे मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखें इस तरह से ट्यूब फॉर्म में मौजूद है और मैं इसकी आपको कवरेज भी दिखा देती हूँ। मुझे मेकअप कम से कम मकदार में करना पसंद है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेकअप आपके फेस पर प्रोडक्ट लग जाता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा केकी और फेक लुक देता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जो मेकअप करूँ वो नेचुरल लुक में आए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर आप लोगों को दिखाया है कि देखें इसकी कवरेज कितनी ज़्यादा है कि थोड़े से प्रोडक्ट में इसने अच्छा खासा एरिया कवर कर लिया है। तो ये थी मेकअप फाउंडेशन मिस रोज़ का जो कि ट्यूब फॉर्म में था, और मैंने यहाँ पर दो मंगवाए हैं ताकि जो मेरी स्किन को सूट करे। एक बेज वन है और एक बेज टू है, जो मेरी स्किन को सूट करेगा मैं वो अपने स्किन के हवाले से इस्तेमाल करूँगी। उप्स। और अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में है वो है मेकअप फिक्सर, ये भी मिस रोज़ का ही है और इसमें विटामिन ई और एलोवेरा का मिक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ये आपको इफ़ेक्ट देता है। नेक्स्ट मेरे पास प्रोडक्ट बीबी क्रीम है मिस रोज़ की, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज आपको देती है। और मिस रोज़ की जो ये बीबी क्रीम है आप नॉर्मल रूटीन में भी आराम से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये बीबी क्रीम है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। इसे भी दो मंगाने का मकसद यही है कि मैं इसे नॉर्मल रूटीन में यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास है प्राइमर, फोटो फिनिश का प्राइमर। नेक्स्ट मेरे पास है काजल, और ये काजल की पिगमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आँखों को बड़ा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है ये और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2-in-1 कंसीलर और कंटूर है जो कि मैंने इन द शेड 3 मंगवाया है क्योंकि ये मुझे यही सूट कर रहा था 3 शेड। तो एक तरफ इसके कंसीलर हैं तो दूसरी तरफ इसके कंटूर हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं बार बार कहूँगी कि मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो एक बार आप लोग भी इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे। और यहाँ पर अगला प्रोडक्ट मेरे पास जो मौजूद है वो है फेस पाउडर, जो कि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी पैकेजिंग में भेजा है कि बिल्कुल भी कोई टूट फूट किसी भी किस्म का डैमेज मुझे नहीं मिला है। कोई भी प्रोडक्ट इतना साफ़ सुथरे तरीके से उन्होंने भेजा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में उन्होंने हमें ये चीज़ें भेजी हैं। तो यहाँ मैंने फेस पाउडर ओपन कर लिया है और देखें कितनी अच्छी पैकेजिंग है, खूबसूरत तरीन पैकेजिंग है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इसके अंदर एक जो है आपके पास पफ भी मौजूद है और इसमें इसके पाउडर के बैक साइड पे मिरर भी लगा है। और ये देखिए इसकी जो है कवरेज किस तरह की है, और थोड़ा सा शिमरी भी था, थोड़ा सा शाइनी सा था। ये मुझे जो है पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा शाइनी सा भी था। तो ये एक फेस पाउडर हो गया जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये फेस पाउडर लगी। और अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है मस्कारा। ये मैंने नहीं मंगवाया था, ये इन्होंने एज अ गिफ्ट मुझे भेजा है और देखते हैं इसका क्या है इस्तेमाल है, क्योंकि मैंने आज तक मिस रोज़ का मस्कारा इस्तेमाल नहीं किया है।
सच बिल्कुल बता रही हूँ मैं आप लोगों को, किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोल रही हूँ। और आपके सामने ही मैं इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं इसकी पिगमेंटेशन आप लोगों को दिखाऊंगी। और ऊप्स, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये मस्कारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जस्ट पानी पानी लग रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना कोई पिगमेंटेशन है इसमें, ना ही कोई और चीज़ मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि बस उन्होंने पानी बॉटल में भर के भेज दिया है। तो मस्कारे के लिए मैं सॉरी कहूँगी कि मस्कारा इनका अच्छा नहीं है। स्पोली तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये कि मस्कारा इनका अच्छा नहीं है। बाकी यही है कि जो चीज़ अच्छी थी मैंने उसका आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने ही ओपन करके मैंने सबकी जो है वो पिगमेंटेशन और जो है कवरेज आप लोगों को दिखाई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स जो थे वो मैंने उनके बारे में आप लोगों को बता दिया है, और जो चीज़ अच्छी नहीं है उसके बारे में भी मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है कि मस्कारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका। मैंने इसका लाइनर भी यूज़ किया हुआ है, लाइनर इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये मस्कारा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के रिव्यूज़ दूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।